दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में एक ओर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संवेदनहीनता से जुड़ी हुई खबरें भी खूब देखने और सुनने को मिल रही है। प्रशासन के अमानवीय चेहरे का ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जहां कर्मचारियों ने दूसरी जगहों से आए बच्चों और पुरुषों को सैनिटाइज करने का अनोखा तरीका इजाद किया है। सभी को जमीन पर बैठाकर उनको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। इसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होते ही जिलाधिकारी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन का अमानवीय चेहरा बरेली जिले में देखने को मिला, जहां दिल्ली हरियाणा नोएडा से आए सैकड़ों मजदूर महिलाओं और छोटे बच्चों को जमीन पर बैठाकर उनके ऊपर डिसइंफेक्ट दवाई का छिड़काव किया गया, जिसके बाद बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंखों में जलन की शिकायत की। इनके ऊपर डिसइंफेक्ट का छिड़काव कर इन्हें अपने घर भेज दिया गया। इस अमानवीय घटना पर बरेली के जिलाधिकारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, इस वीडियो की पड़ताल की गई, प्रभावित लोगों का सीएमओ के निर्देशन में उपचार किया जा रहा है। बरेली नगर निगम एवं फायर ब्रिगेड की टीम को बसों को सैनिटाइज करने के निर्देश थे, पर अति सक्रियता के चलते उन्होंने ऐसा कर दिया। संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब मजदूरों को सैनिटाइजर से नहलाने का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रशासन की इस कार्रवाई की निंदा की है। तीनों नेताओं ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।